अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, न्यू ब्लॉग में आपका वेलकम है। तो आए ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज आपको ब्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो माशाल्लाह जानवर आए हैं और परिंदे आए हैं, और हमने दो चिक्स भी नए लिए हैं। तो मैं आपको आज जो है ब्लॉग में सारा दिखाऊँगा, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ठीक है गाइज, तो ये तुम्हारे माशाल्लाह कबूतर हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो आज हमने जो नए चीज़ें लेके आए हैं वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वीट से जो मतलब एक पेड़ लेके आए हैं तोतों का, वो पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद दूसरों की तरफ चलेंगे। जी दोस्तों, तो ये माशाल्लाह कितने प्यारे ये तोते हैं, देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हमने ये जो जो ब्लू वाली है ना वो फीमेल है, और जो ग्रीन है ना वो मेल है। तो वो जो है अब इनका पेड़ है, ये देख रहे हैं आप वीडियो में भी कि वो एक दूसरे से जो है लव का इजहार कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये आप कबूतरों को खोलने लगे हैं। हमजा भाई इनको डालें, इनको खोलें और इनको दाना डाल दें। ठीक है, देखें गाइस माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हो गए हैं कबूतर, सारे वाइट काट लिए हैं तकरीबन। माशाल्लाह मेरे पास इस टाइम जो कबूतर हैं वो 50 या 50 से एक दो ज़्यादा या एक दो कम हैं, पर 50 हैं पूरे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि पूरे 50 मैंने गिने नहीं आया, मैं कहता हूँ नज़र ना लग जाए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं, वाइट वाइट सारे ना जब छत पर फिरते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो वो डक्स फिर रही हैं और वहाँ पे पेड़ बांधा है एक। जी दोस्तों, तो हमजा भाई इनको दाना डाल दें ज़रा। ठीक है ना, तो दोस्तों चलते हैं अब अपनी जो नई चीज़ें आपको मैंने बताया व्लॉग में को जो नई चीज़ें लेके आए हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये देखें दोस्तों, ये आगे रैबिट्स रैबिट्स आ गए। देखें दोस्तों, रेड आइज हैं, वाइट कलर है इनका, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट, और इनका खाना जो है वो देखे हैं जरा हमजा भाई। जी दोस्तों, तो ये देखें जो रैबिट्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि रैबिट्स बहुत ही प्यारे हैं और हमजा भाई इनको खाना डाल रहे हैं। ठीक है ना, ये देखें कबूतर जो है वो डरते हैं फिर उठते हैं, पानी पी रहे हैं। ये रैबिट्स को खाना डाल दिया, वैसे तो कनक भी खाते हैं शौक से, ये भी खाते हैं। मैंने कहा चलो इनको जो है इनको ये भी चीज़ें डाल दी जाएँ जो घास वगैरह जो पत्ते वगैरह जो ये शौक से खा लेते हैं। और ये जो दो चिक्स आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना दोस्तों, ये मुझे गिफ्ट आया है एक दोस्त की तरफ से। ठीक है, तो उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया। तो दोस्तों रैबिट जो है वो मैं हम खरीद के लाए हैं, और जो मैंने आपको तोते दिखाए हैं ना वो भी हम खरीद के लाए हैं। बहुत ही प्यारे जो रैबिट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और तोते तोते भी बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे से हैं। और जो ये देखें इनकी रेड आइज देख रहे हैं आप, बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह, कुदरत का निज़ाम है, इतने प्यारे और इतने लाल आंखें हैं। हमजा भाई ये, हाँ जी ये चिक्स भी बाहर निकाल दें जो हमारे घर के हैं, ये भी काफ़ी आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो गए हुए हैं दोस्तों। ये देखें ना, ये रैबिट्स का खाना भी खाई जा रहे हैं, अपना भी खाते हैं तो और रैबिट्स का भी खा देते हैं। जी हमजा भाई इधर लाऊँ, हमजा भाई कह रहे हैं कि डक्स की तरफ भी दिखा दें दोस्तों को, कि डक्स भी माशाल्लाह दिन ब दिन प्यारी से प्यारी और अच्छी से अच्छी हो जा रही हैं, साफ़ और क्लियर हो गई हैं। और ये जो पेड़ आपको पता है ये हमारा बड़ा मुड़ गया माशाल्लाह, ये ना इनको हमने खोल तो दिया बट ये मारता बहुत है सबको, इनका खाना इनको डाल दिया तब के ये जो है ना इन दूसरों की तरफ ना जाए, कबूतरों को भी वो मार देता है, चोंच मार देता है, और बच्चों को भी, और रैबिट्स का तो अभी रैबिट्स के पास तक गया नहीं कि रैबिट्स को भी कहीं ज़ख्मी ना कर दें। ठीक है ना दोस्तों, ये आप बताएं कमेंट्स में कि कबूतर कैसे आपको लगते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें ला रहे हैं, वो तोते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वो हमजा भाई बैठे हैं, ये मुर्गा खाना खा रहा है वहाँ पे, मुर्गी और बच्चे खाना खा रहे हैं, रैबिट्स भी खा रहे हैं। हमजा भाई ये डक्स को भी कुछ डाल दो, इधर आए इनको थोड़ा सा, ये भी इसमें इस कुनाली में ना इनको भी थोड़ा सा दें ताकि ये भी खा लें। वो मुर्गे की वजह से डर के उधर नहीं आ रही, क्योंकि मुर्गा जो है उनके पीछे ना दोस्तों भागता है, तो भाग के फिर उनको जो है ना वो टांगे मार देता है, उसके जो इतने बड़े बड़े कील हैं आपको पता ही है, तो वो जो है ना इनको ज़ख्मी कर देता है। तो ये बहुत ही नाजुक से जानवर हैं, परिंदे हैं, तो ये इनको जो है ना उससे बचा के रखना पड़ता है। तो मैं पिंजरों का काफ़ी इंतज़ाम कर रहा हूँ, ये मैं प्लाइयाँ भी लेके आया हूँ जो मैं ना इसमें पिंजरों में पार्टीशन कर दूंगा ना, तो वो दो जो सामने आपको पिंजरे नज़र आ रहे हैं ना दोस्तों, इन दोनों में मैंने पार्टीशन कर देनी है ताकि चार जो हैं इनके पोर्शन बन जाएं। ठीक है, तो वो चार पोर्शन बन जाएंगे तो चार में फिर चार चीज़ें आ जाएंगी, आप समझ ही रहे हैं दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह चूज़े काफ़ी बड़े हो गए हैं दोस्तों, एक मैं आपको खबर बताता चलूँ, हमारा एक चूज़ा अल्लाह बेहतर जानता है, या वो इस साथ वाले घर में गिरा है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे भी,
ये देखें दोस्तों, यहाँ पे गिर गया होना है, अब पता नहीं कहाँ पे गिरा, या वो वाले साथ वाले घर में गिर गया, अब पता नहीं कहाँ गया, वो मिला नहीं है बाकी। और वो मेरे घर का बच्चा था, ठीक है, मैंने अपने घर में वो मतलब के निकलवाए हुए थे बच्चे, तो वो भी अब चले गए। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, अब चले गए, अब कहाँ बात, जहाँ भी रहे सही रहे, कोई बिल्ली बुल्ली तो नहीं इनको इतने बड़ों को पड़ती वैसे, बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता दोस्तों। ये कबूतर इनका मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, अब माशाल्लाह कबूतरों में भी काफ़ी जो हैं वो जोड़े हो गए हुए हैं, और वो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो हैं वो अंडे भी आ जाएंगे दोस्तों, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये भी बच्चे देंगे, तो इनके भी बच्चे बहुत प्यारे होंगे वाइट वाइट से, उनके सारे वाइट ही हैं, सिर्फ एक जोड़ा जो मैंने रखा हुआ है वो मुझे अच्छा लगता है, ये भी जोड़ा, ये ना थोड़ा सा जंगली कलर है, कबूतर देख रहे हैं आप, वो कबूतर जंगली और थोड़ा सा वाइट है, या वो बिल्कुल ही जो जो जंगली है वो फीमेल है उसकी, ठीक है। हमदा भाई ये किसका उड़ रहा है कबूतर, ये देखें जी दोस्तों, ये ज़ेब भाई आ गए हैं जो इस टाइम नज़र नहीं आ रहे वीडियो में, अब आ गए हैं नज़र, हम रोशनी में आए हैं। तो ज़ेब भाई ये नीचे से लेके आ रहे हैं आप प्लाइयाँ, हमने ऊपर, हमने अपने ऊपर लेके आए वहाँ पे पोर्शन के लिए ना, वो प्लाइयाँ लेके आए हैं, तो वो जो है घर में थी प्लाइयाँ, बाइट से नहीं लाए, तो वो अब प्लाइयाँ, ये देखें दोस्तों कबूतर जो है ना ये अभी नए नए हैं, तो इनको अपने घर का इतना ज़्यादा पता नहीं, इसकी वजह से ना इनको ज़रा ध्यान से अभी ज़रा इनको ट्रीटमेंट इनका करना पड़ता जी दोस्तों। तो ये देख रहे हैं ना माशाल्लाह, ये जो हम पेड़ लेके आए हैं ये है, और रैबिट्स आपको दिखाते हैं, रैबिट्स भी माशाल्लाह खाना खा रहे हैं, ठीक है, एक वो पीछे बैठ के खाना खा रहा है, एक ये दोनों, ये दोनों यहाँ पे, ये फीमेल है और मेल है, तो ये जो है पेड़ ही है, तो ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो वो दो छोटे छोटे चिक्स फेड़ रहे हैं, ये दो हमारे चिक्स हैं जो घर के, तो वो फेड़ रहे हैं, कबूतरों को भी दाना शाना डाल दिया है, इनको भी अब थोड़ी देर बाद इनको पानी दे देंगे, ठीक है दोस्तों। माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगी हुई है छत पे, अब और भी इंशाल्लाह ताला चीज़ें लेके आनी हैं, तो फिर जब लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही लाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे दोस्तों जी दोस्तों। तो ये देखें, ये इसकी वजह से जो है ना हमारा चूज़ा भी जो है भाग गया, ये बस ऐसे ही उड़ती है इधर उधर छतों पे चढ़ जाती है, तो अब मैंने इनको मतलब खोलता ही नहीं हूँ, पहले तो मैं इनको सारा दिन खोल के जाता था ना, अब नहीं मैं इनको खोलता, इसी की वजह से मेरा एक चूज़ा पता नहीं कहाँ पे गिर गया, वो गली में गिरा या किधर गिरा, वो अब नहीं मिल रहा है, तो उसको यहाँ कोई उठा के ले गया, यहाँ कोई बिल्ली या चील वगैरह ऐसे कोई चीज़ ले गई होनी है, ठीक है दोस्तों। तो बकाया इनको दाना शाना खिला दिया सबको, तो अब इनको बंद करने का टाइम हो गया, तो अब इनको बंद करने लगे हैं, खरगोश ने रैबिट ने भी खाना खा लिया, चूज़ों ने भी खाना खा लिया, ये भी खा रहे हैं, तो खाना शाना इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खा लिया। ये ज़ेब भाई बैठे हैं, ये देखें, ये पिजन्स हैं, ये मेरी बेटी है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी बेटी है छोटी सी, और ये इसके लिए हम एक पेड़ लेके आए हैं तोतों का, तो जी दोस्तों। तो अब हमने सबको खाना शाना सबका हो गया मुकम्मल, जो भी खाना शाना जो भी आया था, तो अब हम लोगों को करने लगे हैं ख़त्म, तो अब जो है इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।